हेलो यार भाई, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई यार। जब हम लोग सोते हैं ना रात को, पापा और मैं ये सब, तो बाहर कुत्ते भौंक रहे होते हैं। ठीक है, तो एक बार ना पापा ने कॉल कर दिया कुत्ते उठाने वाली गाड़ी को, और उसी दिन मैं बाहर सो रहा था। ठीक है, और मैं ना सपना देख रहा था कि कुत्ता मेरे ऊपर भौंक रहा है, और सपने में मैं ये भी कर रहा कि कुत्ते को मैं भी भौंक रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं वहाँ सो रहा था ना, तो रियल में भौंक रहा था मैं, तो उन गाड़ी वाले को लगा कि मैं कुत्ता हूँ, तो वो मेरे को उठा के ले गए भाई। हाँ, अब वो मेरे से भुकवा रहे हैं, बोल रहे भौंक भौंक। लेकिन उनको ये नहीं पता मैं देसी कुत्ता हूँ, मैं नहीं भौंक पाता इतनी जल्दी से। वो तो लैबरा एबरा समझ रहे हैं मेरे को भाई, लेकिन उनको ये नहीं पता मैं देसी कुत्ता हूँ। और यहाँ तक तो ठीक था, पापा ने जिससे मेरी शादी नहीं कराई थी, वो सिंगिंग करती है, तो वो ना यूँ गाती है सारे गाना पाप और धा पे पात देती है। यार अब बताओ ऐसे कौन करता है, ऐसे सिंगिंग कौन करता है। चलो कोई नहीं यार, लेकिन ना ये बात बताना मत किसी को, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है। क्या बोला तूने? और मेरे साथ यहाँ कोई नहीं खड़ा, मैं अकेले में ही बात कर रहा हूँ तुमसे। ठीक है, तुम्हारी बीवी तो ऐसा नहीं करती ना। चलो ठीक है, सही है भाई, किसी को तो बीवी अच्छी मिले, लेकिन बाद में भी एक टैलेंट है। चलो ठीक है, मैं ना बाद में बात करता हूँ आपसे, है ना, थोड़ा बिजी हूँ मैं, दुबई वुबई में आया ना। चलो ठीक है ना। मम्मी आपने देरी कर दी फ़ोन करके मुझे, मतलब फ़ोन करने में देरी कर दी, क्योंकि अब मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूँ। हाँ, इस हिसाब से भी कोई मारता है क्या? पापा ने जो मुर्गा बना के मारा, पहले पता क्या हुआ है, पहले मुझे मुर्गा खिलाया, फिर बनाया, और जो खाया वो निकलवाया। ऐसे कोई करता है क्या मम्मी? मेरे साथ मेरे दोस्त हैं और हम जा रहे हैं गोवा घूमने, मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, तो बताओ अब क्या करना है। नहीं, मारना मारना तक तो ठीक था, लेकिन मुर्गा खिला के मारा, बनाया भी तो वो कुछ चचा नहीं है। समझ नहीं आया। हाँ, अरे मैं तुमसे झूठ, मम्मी अभी कल का दर्द क्या नहीं हूँ मैं बता नहीं सकता, जिस पे बीती है उसी को पता होता है, जिस पे बीतती है ना उसी को पता रहता है। अरे वो भाई साहब चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं यात्रीगण कृपया ध्यान दें, फ्लाइट उड़ते समय फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। तो मम्मी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे लास्ट वर्ड बोलना चाहता हूँ कि आई मिस यू, बट के आगे इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन जो भी होगा मैं ट्रांसलेट करके तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, तुम एक बार पापा को समझा देना। हाँ तो फिर ठीक है, मैं फ्लाइट में नहीं हूँ, मैं हूँ लिफ्ट में, मॉल में, और बर्गर खा के घर पर आ रहा हूँ। ठीक है।